डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी 67 वीक का प्रीलिम्स अगस्त के लास्ट में टेंटेटिव है, एग्जाम हो जाएगा संभवतः। और अगर ऐसा है तो टाइम है अभी भी, आप पहले से पढ़ रहे होंगे, नहीं भी पढ़ रहे हैं, चलिए रूटीन से जुड़कर थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर लगते हैं। क्या पता अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद आप उस तरह के रिजल्ट आए जो आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। अभी भी टाइम है, लग जाइए। 8 तारीख से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं एक नए कोर्स को 67वीं में। जैसा हमने कहा था कि हमारा पेड कोर्स तो चल रहा है, लेकिन हम टेलीग्राम पर यूट्यूब पर भी रहेंगे, तो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं 8 तारीख से। कुछ सजेस्टेड बुक अपने पास रखिए और पेजेस पर जाकर डायरेक्ट पढ़िए, आपका बहुत टाइम सेव होगा और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से कहां तक पढ़ना है। तो पेजेस पर जाइए, डायरेक्ट पढ़ाई कीजिए। और हमें लगता है कि अभी भी 1.5 महीने लगभग हैं, अच्छी तैयारी हो सकती है। 8 तारीख से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं, यूट्यूब पे आएगा, टेलीग्राम पे आएगा, लेकिन टेलीग्राम पर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है, यूट्यूब पर ब्रेक होता है, कुछ कुछ एपिसोड्स नहीं आ पाता है, रेगुलरिटी भी ब्रेक रहती है यूट्यूब पर, क्योंकि यहां पर वीडियोस लेकर आइए, इतना सारा कार्य कीजिए, समय मांगता है। लेकिन टेलीग्राम पर डायरेक्ट स्टूडेंट से आप जुड़ सकते हैं, इसलिए हम फिर से आपसे कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नए होते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि बार बार यही बात, लेकिन चूंकि लगातार स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं, नए लोग आते हैं, इसलिए इस बात को बार बार कहना पड़ता है कि टेलीग्राम पर जीएस मास्टर सब स्मॉल लेटर में सब एक साथ, उसमें 41,000 वहां पे आप जाएंगे तो स्टूडेंट्स हैं, 41,000 हमारा जीएस मास्टर चैनल, आप जाएंगे और वहां पर सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे तो आएगा ही, साथ ही टेलीग्राम पे भी आएगा, लेकिन कंटिन्यूटी टेलीग्राम पे रहता है। सो 8 तारीख से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले आइए बुक समझ लेते हैं। एक क्राउन चलेगा एज यूजुअल, जो जीके की सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान कहें, जीके की बुक है क्राउन पब्लिकेशन की, ये आप ले लेंगे ब्लू कलर वाली। उसके बाद एक बिहार स्पेशल में जो भी आपके पास है आप उसे पढ़ सकते हैं। देखिए हम बार बार कहते हैं कि सारी बुक्स अच्छी हैं, पढ़ रहे हैं हम कैसे, कितना समझकर, ये डिपेंड करता है। तो एक बिहार स्पेशल कोई भी आपके पास हो, हम सजेस्ट करते हैं क्राउन और डॉक्टर मनीष रंजन, इसमें से कोई एक है तो अच्छा है, इन दोनों के पेजेस हम देंगे। लेकिन अगर आपके पास इम्तियाज अहमद है, केबी सिनेनो है, कोई और बुक है, आप पढ़ सकते हैं या पढ़ सकती हैं। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसे का प्रॉब्लम रहता है, फाइनेंशियल वीक है, तो आपके पास जो भी बिहार स्पेशल है आप इन टॉपिक्स को मैच कर लीजिएगा। लाइक अगर हम कहें कि ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, तो या तो भूगर्भिक संरचना होता है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, या ज्योग्राफिकल जो बिहार का भूगोल है वो होता है, तो ये सारे बिहार के बुक में मिल जाएगा आपको, या बिहार की मिट्टी, या बिहार की जनजातियां, या बिहार की जातियां, ये हर बुक में आपको मिल जाता है, चाहे कोई भी बुक हो। हाँ, हम कोई बुक बताते हैं तो उसमें पेजेस पे आप जाते हैं, आपका समय बचता है, बस इतना भर अंतर है। तो अगर आप क्राउन या डॉक्टर मनीष रंजन का लेकर चल रहे हैं तो आपको पेजेस सर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरे बुक्स है वो भी काम चलेगा। तो एक बिहार स्पेशल और एक क्राउन का सामान्य ज्ञान जीके वाला, ये तो चलेगा। एक स्पेक्ट्रम हम सदैव कहते हैं, ये शानदार बुक है, अभी भी बहुत सारे लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन मन नहीं लगने से रिजल्ट तो नहीं आ जाएगा, मन लगाना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम ऐसी बुक है जिसमें मन लगाना पड़ेगा, अगर आपका मन लग गया तो ये आपको क्वाइंस देगा, क्वाइंस रिवॉर्ड्स के रूप में, रिजल्ट्स के रूप में, तो आपको स्पेक्ट्रम करना है। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है, राजीव अहिर की बुक, आधुनिक भारतीय इतिहास, ये तीन अलग अलग कलरों में पुरानी नई के रूप में दिखाई देता है, कोई भी आपके पास हो चलेगा। एक महात्मा गांधी वाला है व्हाइट कलर वाला, एक ब्लैक कलर वाला, और अभी जो सबसे रिसेंट है वो येलो कलर में है, तो कोई भी आपके पास होगा स्पेक्ट्रम चलेगा, यानी नया पुराना कोई भी चलेगा। हम फिर से कहेंगे हम ब्लैक वाले से आपको देंगे, लेकिन आप डरिए नहीं, आपके पास येलो कलर वाला है, व्हाइट कलर वाला है, टॉपिक मैच कीजिएगा, डायरेक्ट पढ़िएगा। पहला टॉपिक चैप्टर 3 से हम स्टार्ट लेते हैं, यूरोपियनों के आगमन से, ये सब में है, नए पुराने सब में, तो आपको चैप्टर्स मिल जाएगा, पेजेस का डिफरेंस होगा, तो डोंट वरी। कोई एक स्पेक्ट्रम की, राजीव भाई की, आधुनिक भारतीय इतिहास आपको लेके चलना है। चलिए ये तो हो गई तीन बुक्स, और दो करंट अफेयर्स कर लेते हैं, बस काम तमाम हो गया। एक एसपीटी सदैव चलेगा, अभी देखिए जुलाई वाला आ गया, अभी सबसे लेटेस्ट कल आया है, जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स है, देख लीजिए। और जो चार पिक्चर्स हैं, हम फिर से कहेंगे इसमें जो चार पिक्चर्स हैं वो मैच कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आप कोई दूसरी मैगजीन ले लें। एनीवे, जिनके पास जून मंथ का है, पिछले मंथ वाला, वो भी चलेगा। अगर आपने पिछले मंथ वाला ले रखा है, नया आप नहीं लेना चाहते हैं, इट्स ओके, चलिए जुलाई का मत लीजिए, जून मंथ का है वो भी चलेगा, बट अभी रिसेंट जुलाई का आ गया है तो हम जुलाई वाला को लेकर चलेंगे, जून से भी वो मैच कर जाता है। एक हम देखिए प्रतियोगिता दर्पण का लेकर चलेंगे, बहुत शानदार निकली थी, सदैव हम कह रहे हैं, इसलिए अब आसानी से मिल नहीं रहा, हाँ पुराना भी हो गया है,
ये वाला, ये तो बहुत शानदार कलेक्शन था लेकिन अब मिलना मुश्किल है, इसी का वॉल्यूम 2 आ गया है, प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स वॉल्यूम 2 आ गया है, वॉल्यूम 1 भी चलेगा 2 भी चलेगा, जिससे जिसका पेज मैच कर जाए, जिसके पास जो हो आप पढ़िए। उद्देश्य है कि आपको इन दिनों में पौने दो महीने में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और वो होगा आपके व्यक्तिगत प्रयासों से। देखिए बहुत बड़ा अंतर है जब हम पेड कोर्स में या टेलीग्राम की बात करते हैं, वहां पर तो हम स्टूडेंट्स को देखते हैं बात करते रहते हैं, लेकिन यहां पर आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम यूट्यूब पर या टेलीग्राम पे होते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे टॉपिक्स आपको टाइम से मिल जाएंगे, होमवर्क सीरीज के रूप में इसे आपको 24 घंटे में कंप्लीट करना होगा, 24 घंटे पर डेली आता है। हाँ, सैटरडे और संडे को टॉपिक्स नहीं आएगा, 5 दिन आएगा मंडे टू फ्राइडे, और देखेंगे अगर टाइम कम रहेगा तो शनिवार को भी आएगा, केवल संडे छुट्टी रहेगी। तो इस तरह से पूरा कोर्स चलेगा, मंडे टू फ्राइडे डेफिनेट आएगा, अगर लगेगा कि एग्जाम हो ही जाएगा अगस्त में तो सैटरडे को भी आपका टॉपिक्स आएगा। तो होमवर्क सीरीज इस रूप में आएगा, बुक्स और मैगजीन्स आपको बता दिया गया है, आप रेडी रहें लेकिन रिस्पॉन्सिबल बनिए। इधर उधर की बातें अपनी जगह पे है, आपका रिजल्ट आपको रेस्पेक्ट दिलाएगा, आपको इत्मीनान देगा, आपको अपना लक्ष्य देगा, आपको अपना टारगेट सफलता देगा, और इस सफलता से जो उत्साह मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो मोबाइल पर दिन रात पिक्चरों देखने से या डिस्कशंस करके, ग्रुपबाजी करके, फिल्में देखने से, क्रिकेट खेलने से नहीं मिलेगा। कम से कम अभी इसे रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए 2-3-4 महीने और जमकर अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि इसका रिवार्ड पूरे विश्व में दिखता है कि आप क्या है। तो ये बचे हुए 2 महीने में लगा देना सबसे बेस्ट। 8 तारीख से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं, यानी 8 जुलाई से, और ये पूरा होमवर्क सीरीज जो आपको बुक्स बताया गया है ये आपको रूटीन के रूप में दिखाई देगा, 24 घंटे के अंदर आपको इसे समाप्त करना होगा। हो सकता है थोड़ा टफ हो क्योंकि टाइम कम है, तो इसे आप मैनेज कीजिएगा, और सबसे बढ़कर हम आपको डेली ये सब दे देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे 24 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। सो गेट रेडी, 8 तारीख से स्टार्ट ले रहे हैं हम सभी इस नए कोर्स को, 67वीं बीपीएससी पीटी का, 68वीं का भी आ रहा है टेलीग्राम पे, 68वीं का, 68 का, जिसमें एनसीईआरटी भी चल रहा है, लेकिन वो अभी वैकेंसी आने वाली है, बाद में पता नहीं कब आएगी, और वो जो अगले साल देंगे स्टूडेंट्स वो वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे 68 का भी कोर्स चल रहा है, लेकिन आपका 8 तारीख से स्टार्ट होगा। और हम फिर से कहेंगे टेलीग्राम पे रहिए, सदैव रहिए, वहां पर कंटिन्यूटी रहती है। हाँ, यहां पर यूट्यूब पर हो सकता है बीच में आपको टॉपिक्स नहीं दिखाई दे, वहां पर हम डाल देंगे जरूर से, तो वहां पर निश्चित रूप से, यहां पर भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कुल मिलाकर आपको अपना रिजल्ट देना है, और इफ्स एंड बट्स मत कीजिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चैनल नहीं मिला, लिंक भेजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये सब वो करते हैं जो दुविधाओं में रहते हैं, संशय में रहते हैं, डाउट्स जिनके मन में, जिन्हें अपना काम करना है, रिजल्ट लेना है, अपने कोर्सेज को आगे बढ़ाना है, वो हर हाल में सर्च करेंगे, पहुंचेंगे, वहां पर टॉपिक्स लेंगे, 24 घंटे में समाप्त करेंगे और कहेंगे इट्स ओके, आज का हमने कंप्लीट किया। और ऐसे अगर 1.5 महीने आप चले तो आई होप सो कि आप अपना रिजल्ट भी निकालेंगे। टेक केयर।